मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। मैंने लगा दिया हमारा हीट बैग क्योंकि ये गर्म हो जाएगा तो पैर उसमें टाइम लगेगा, और वो तब मैं करूंगी जब मैं उसमें बैठूंगी ना। पेट का मम्मी ज्यादातर यही काम करती हैं, एक पे कोई बैठता है तो मम्मी मेरी व्हीलचेयर बाहर निकाल देती हैं। कितनी देर में कुछ अच्छा सा उदाहरण। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। मैं पम्मे फरचनो स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए वीडियो के साथ। तो अभी बज रहा है हमारा मॉर्निंग का 7:30। मैं फ्रंट कैमरा से जूम नहीं कर सकती, और यहाँ पर देखिए सुबह से ही आ गए हैं गोल्डी महाराज, यहाँ पर सोए पड़े हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गोल्डी जब तक हमारे यहीं पर बैठे रहेंगे, ये उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, आंखें देखो। और यहाँ पर मम्मी की भी मैंने दवा डाल दी है, और मॉर्निंग से ही मम्मी की कई दवाइयाँ पड़ती हैं, 8-10 दवाइयां हो जाती हैं, क्योंकि एक बार एक दवाई 4 बार है, और 2-3-3 बार है, 3-3-6-4-10 बार दवाइयां टोटल पड़ती हैं रात तक। और दूसरी 8 में भी जो ग्लूकोमा की है उसमें भी दवाइयां पड़ती हैं। बस मॉर्निंग से हमारा चीजें शुरू हो गई, और यहाँ पर मैंने लगा दिया हमारा हीट बैग क्योंकि ये गर्म हो जाएगा तो पैर सेकने के थोड़ा सा काम आ जाएगा, क्योंकि इस समय सर्दी बहुत हो रही है, और थोड़ा आराम भी मिल जाता है, थोड़ा मतलब पैरों का हीट मिल जाती है ना, तो इसीलिए मैं लगा दिया है। अब बाद में आऊंगी तब यहाँ सारा अपना सिकाई हो जाएगी, और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू पोछा वगैरह बाकी चीज करने, और सफाई देखते हैं हम बाद में करेंगे, आप कब करते हैं, क्योंकि ये भी अभी लेटा है, और मम्मी की भी जब तक मैं दवाई डाल रही हूँ तब तक तो मम्मी को भी नहीं उठाएंगे। और यहाँ पर हमारा मॉर्निंग रूटीन चालू हो गया, और सबसे पहले यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और आज मुझे पोछा भी लगाना था लेकिन कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं सिर्फ झाड़ू ही लगा रही हूँ। और यहाँ हमारे हॉल में काफ़ी चेंजेस हुए हैं जिसको मैं अपने आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ बाहर एलडी में, और आज बोलिए बहुत ज़्यादा ठंड, अभी तक पता है कोहरा तक नहीं हटा है हमारा, 8:30 इसके बाद मुझे बाकी चीज़ें भी करनी है, क्योंकि नहाना है और नाचते वगैरह सबकी तैयारी करनी है, इसलिए आज मैं झाड़ू इन पर लगा के कर छोड़ूंगी, और मम्मी भी मुझे मना कर रही हैं आज पोछा लगा देंगे, तो पोछा नहीं लगाएंगे सीधे झाड़ू लगा के चलेंगे। तो फिलहाल हम आ चुके हैं नहा के, और अब मैं जा रही हूँ अपने पैरों की मालिश करने, और इसके अलावा मैं जाऊँगी फिर पूजा करने, क्योंकि आज सकट है, बहुत से लोग जानते होंगे सकट को, और बहुत से लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, हालांकि ज़्यादा कुछ पूजा नहीं होती है, सिर्फ कहानी वगैरह पढ़ के की जाती है, और आज मेरा मम्मी का फास्ट डे है, तो फिलहाल जो भी हमारा खाना वगैरह बनेगा वो हम नाइट में ही बनाएंगे। यहाँ की अभी मेरी बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है, कि अगर सफाई करूँगी तो बहुत टाइम हो गया, 9:45 बज रहा है, आपको मैं दिखाती हूँ। पौने 10 हो रहा है, फटाफट से हम जाएंगे जूते वगैरह पहन के, मैंने जूते भी नहीं पहने, और जूते वगैरह पहन के हम सीधे जाएंगे पूजा वगैरह। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने पैरों की मालिश ही कर रही हूँ, और सब इससे पहले मैं अपना ऑयल वगैरह सब लगा चुकी थी, और अब लगा रही हूँ मॉइस्चराइजर, ताकि कहते हैं ना हमारे जो कभी कभी इन सब चीज़ों से काफ़ी चिपचिपाहट सी आ जाती है, तो जिसकी वजह से मैं मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ, और सच बताऊँ तो इसके ऊपर मैं पाउडर भी लगाती हूँ, क्योंकि हमारे पैरों में बिल्कुल भी चिपचिपाहट ना हो। और इसके बाद मैं अपने सॉक्स पहन रही हूँ, क्योंकि इस समय सर्दी हमारी काफ़ी बढ़ी हुई है, हालांकि पहले से तो काफ़ी कम है, लेकिन अभी जैसे हमारे मेरे पैर काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो अभी कुछ टाइम तो मुझे ये सॉक्स वगैरह पहन के ही रहने पड़ेंगे। और ये सॉक्स मेरे इतने ढीले हो रहे थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे नहीं, किसी कहते ना पापा लोग ने पहन लिए हैं, और ये सिर्फ मैं ही पहनती थी, और मुझे नहीं पता ये अचानक से इसमें क्या हो गया, क्या मैजिक हो गया, जैसे कहते हैं ना कि हमारे मैजिक होने लगते हैं, तो मुझे भी लग रहा था कि आज मेरे सॉक्स में भी कुछ मैजिक हो गया, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ढीले लग रहे थे, और आपको भी देखने पे लग रहे होंगे, और मैं इसीलिए ये खींच खींच के देख रही थी कि इनको हो क्या गया, और मुझे लग ही नहीं रहे थे कि ये सॉक्स मेरे हैं, ऐसा लग रहा था मैंने ज़बरदस्ती इसमें दोनों पैर एक साथ डाल दिए हों, और ये काफ़ी चौड़े हो गए हैं। हम चलेंगे सामान वगैरह रख सीधी पूजा वाले कमरे में, और अभी तक पता है मैं जो रंजित के शूज हैं उन्हीं से काम चला रही हूँ,
लेकिन सही है, ठंड में काफी आराम करता है। और इसके बाद फाइनली मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और मम्मी भी यहीं पर बैठ के रामायण पढ़ रही थी। अब उनकी आंख में थोड़ा सा फ़र्क हो गया है, जिसकी वजह से अब बिना चश्मे के वो थोड़े थोड़े, कहते हैं ना बड़े शब्द हैं, वो आराम से पढ़ लेती हैं, तो जिसकी वजह से वो थोड़ी, कहते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ रही हैं। हालाँकि अभी उन्होंने रामायण नहीं पढ़ा है, क्योंकि रामायण में थोड़े, कहते हैं ना, हमारे शब्द जो हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी किताबें पढ़ रही हैं, जितना उनको चालीसा वगैरह याद है बस वही कर रही हैं। और आज मेरा और मम्मी दोनों का फास्ट था, जिसकी वजह से सबसे पहले मुझे फास्ट की भी तैयारी करनी थी, और इसके साथ ही मुझे कंटी भी करनी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आज हमारी एक पूजा है जिसे हम सखट की पूजा कहते हैं, और इसमें तिल और गुड़ से पूजा की जाती है। और इसके अलावा शाम को या मॉर्निंग में आपकी मन है कि आप कभी बनाएं, थोड़ा पकवान वगैरह बनता है, जिसमें एक ग्रीन वेजिटेबल आती है जिसे हम बथुआ भी बोलते हैं, उससे बनता है। वो कहते हैं ना कि एक कंपल्सरी होती है, जिसकी वजह से आज हम शाम को बनाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा फास्ट था, तो जिसकी वजह से सबसे पहले मैंने यहाँ की सफाई वगैरह कर ली है, क्योंकि अभी हमें कंटी भी करनी थी, तो और मैं बाकी अपने फास्ट वगैरह की तैयारी कर रही थी। और इसके अलावा क्योंकि हमारा फास्ट है तो मुझे आलू वगैरह भी उबलने रखने थे, तो बस मैं सबसे पहले वही सब सामान यहाँ से ले लूँगी। और भाभी अभी गई हुई थी मंदिर, तो जिसकी वजह से मैं ही यहाँ पर कर रही थी, और मम्मी अपना पूजा वूजा का काम कर रही थी, क्योंकि भगवान जी को नहलाना और बाकी चीज़ें भी करनी थी। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक्चुअली जो कल लाइव किया था, हालांकि हमारा लाइव कहते हैं ज़्यादा लंबा भी नहीं चला, और मैंने बाद में देखा उसमें काफ़ी मैसेज आ रहे थे, और जो कि मुझे बिल्कुल भी सीन नहीं हो रहे थे, तो मुझे सच बताऊँ बहुत ख़राब भी लगा। कि आप लोगों को भी क्या लगा होगा कि मतलब 9 बजे मैंने लाइव आने के लिए बोला, और कहते हैं हमारा लाइव भी बीच में मैं छोड़ के चली गई। तो सच बताऊं मुझे बिल्कुल भी कोई भी मैसेज नहीं आ रहे थे, मुझे, मैं कह रही हूँ ना, कोई भी मैसेज मेरे तक पहुंच ही नहीं रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई, कहते हैं ना, मेंबर वगैरह कोई है ही नहीं, सिर्फ 5 लोग मुझे ज्वाइन किए हुए दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से मैंने अपना जो लाइव था वो बहुत जल्दी मैंने कट कर दिया। और दीदी लोगों का भी उसमें कमेंट भी आया था, मैसेज भी आया था, और बहुत सारे लोगों ने भी उस पर, कहते हैं, रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन कहते हैं माई बैड लक कि मुझे कुछ भी उसमें मैसेज वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे थे, जिसकी वजह से मुझे वो ख़त्म ही करना पड़ा। हालांकि हो सकता है कि मैं अगर शायद पहले चेक कर लेती तो ये सब चीज़ें ना होती। फिलहाल चलिए आपको दिखाती हूँ मैं, कि मैंने आपको बताया था कि जिस बंदे ने मुझे ये कमेंट किया था, मैसेज किया था, सॉरी, इंस्टा पे, तो मैं आपको वो चैट दिखाती हूँ। हालांकि मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी, मैंने उनका नाम वगैरह है सब चीज़ें मैं हाइड कर दूंगी, तो आप ये मैसेज देखिए फिलहाल। और सच बताऊं कि इनके कुछ क्वेश्चन थे वो काफ़ी अटपटे पहले भी हुआ करते थे, जिसकी वजह से एक बार पहले भी मैंने इनको ब्लॉक किया हुआ था, ब्लॉक कर दिया था, बट मुझे लगा कि शायद बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गई हो, जिसकी वजह से फिर मैंने अनब्लॉक करके फिर नॉर्मली, कहते हैं ना, कभी कभार बात होती है कि हाय हेलो हो गया, या आप ऐसे वीडियो बनाइए, वो करिए, ये करिए, क्योंकि सजेशन सब लोग देते हैं, तो मैं सबके भी सुनती हूँ, जिसकी वजह से मैंने नॉर्मली ही बात कर रही थी। और बट कल जब कहते हैं ना ये बात हुई, तो फिर इसके बाद से मैंने परमानेंटली इनको ब्लॉक कर दिया है। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं, और इसके बाद हम आते हैं अपने पूजा के लिए। बस एक ही नहीं, देव तो एक ही थे, और यहाँ पर हमारी पूजा वगैरह सब हो चुकी थी। और इसके बाद मम्मी ने जो मेरी रिकॉर्डिंग थी उसको चालू कर दिया, और मैं उन्हें, मम्मी को बता दिया था कि मम्मी इसके बाद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नॉर्मली अपने पास में फ़ोन रख के रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। चाय भी है, खाने, आलू, धनिया, व्रत का भंडारा, पेट का, और चीज़ मुझे मखाने में भाभी को भी आलू है, और हमारी चाय 3 कप है सबकी। और ऐसे इस तरह से हमारे यहाँ कंडी पे बाहर, गेट के बाहर तिलकुट चटकाए जाते थे, जो कि हमारी पूजा का काम होता है। और यहाँ पर फाइनली आ गया हमारा खाना, ये मेरा और मम्मी दोनों का है। आलू फ्राई किए थे मैंने, और मूंगफली मखाने, और ये है हमारी चाय। मम्मी देखिए नमक वगैरह सही है इसमें, नमक वगैरह ज़्यादा तो नहीं है। और यहाँ पर अभी हमारा खाना हो जाएगा, अब दोपहर में तो फिलहाल कुछ नहीं करना, और शाम को हम बनाएंगे हमारे बथुए की कचौड़ी, क्योंकि आज हमारा सकट है और उसमें बथुए की चीज़ें जरूर बनती हैं, तो बस वही बनाएंगे और फिर देखते हैं और क्या। फाइनली अब मैं जा रही हूँ बाहर, कि बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, और थोड़ी देर हम लोग भी बाहर बैठेंगे। अब मम्मी एक्चुअली बाहर जा चुकी हैं, और मैं अभी अब जाऊँगी,
और मैं व्हील चेयर से ही जाऊंगी। बाहर देखते हैं कैसा क्या, अगर आंटी नहीं आती तो हमारी एक चेयर खाली होगी तो मैं चेयर पे बैठूंगी, अदरवाइज मैं अपनी व्हील चेयर को ही बाहर निकालूंगी, क्योंकि आजकल मम्मी ज्यादातर यही काम करती हैं, एक पे कोई बैठता है तो मम्मी मेरी व्हील चेयर बाहर निकाल देती हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले बाहर, फिर देखते हैं। मैं अपनी कैलिपर पहन लूँ, कभी कभी बड़ी दिक्कत आती है पहनने में। तो चलिए बाहर मिलते हैं। ले ली अपनी बैसाखी और हम अब चलते हैं बाहर। एक लाइट मैंने बंद कर दी है और एक को हम जलने देंगे, क्योंकि जब आते हैं ना तो बहुत अंधेरा लगता है। और यहाँ पर फाइनली हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि बाहर काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। और सच बताऊँ तो मेरे कहते हैं ना दिल दिमाग से वो बात नहीं निकल रही है जो कि मैंने अपने कल लाइव में भी बताई थी, कि जिसने मुझे सजेशन दिया था कि मुझे अपने पैरों को कट करवा देना चाहिए। और सच बताऊँ तो मैंने जब मम्मी को भी बताया था तो उनका भी यही रिएक्शन था जो कि मैंने फील किया, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी इंसान की चोट लग जाती है तो थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। और अगर मैंने सोचा था कि कल मैं आपको ये बात बताऊंगी भी, बट मैं उसमें तो कुछ भी नहीं बता पाई। एक्चुअली एक इंसिडेंट है, जबकि कहते हैं मेरे पापा की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, वो एडमिट थे, तो मैं पापा के साथ दिन में रहती थी मॉर्निंग में हॉस्पिटल में ही, क्योंकि 6-7 दिन का टाइम था जब वो टाइम पीरियड में मैं दिन में रहती थी और मम्मी नाइट में रुकती थी। तो पापा के जस्ट बगल वाले जो वार्ड वो था बेड, उस पर एक भैया थे जिनका पैर जो दोनों थे वो कट गए थे ट्रेन से, किसी ने उन्हें धक्का दे दिया था चलते ही ट्रेन से, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर कट गए थे। एक तो ऊपर से पूरा कटा था और एक पंजे से कटा हुआ था, और उनकी चीखें जो थी वो आज तक मुझे अपने कानों में सुनाई देती हैं। और उस टाइम का टाइम ऐसा था कि जब मैं सोशल मीडिया में सिर्फ उसमें फेसबुक को जानती थी, मैंने फेसबुक पे उनकी बहुत सारी पोस्ट भी शेयर की थी, क्योंकि उनको वो सब चलाना नहीं आता था। तो मैंने इस तरह से काफ़ी पोस्ट की थी और टैग भी किया था कुछ लोगों को जो हमारे रेलवे से होते हैं, उन सबको। हालांकि मैं भी उस टाइम पे छोटी थी, मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जितनी थी मैंने उतना ज़रूर किया था। तो कहते हैं कि हम सजेशन तो बहुत आराम से देते हैं लोगों को, ये करवा दीजिए वो करवा दीजिए कहते हैं, लेकिन जिस पर बीतती है ना तो वो वही जानता है। और मैं इस चीज़ को सामने से देख चुकी थी। और सच बताएं तो कल जब मैंने बात की थी मुझे बहुत दिमाग ख़राब हुआ था, और मैं जल्दी किसी से कुछ नहीं कहती, मेरा नेचर ही नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कहते हैं ना जब आता है तो बहुत तेज आता है, जैसे कहते हैं हमारा ज्वालामुखी जब तक शांत है शांत रहता है, और जब कहते हैं ना फूटता है तो सब आसपास की सब चीज़ें लेके। हालांकि इतना कभी मुझे गुस्सा आया नहीं है। फिलहाल चलिए छोड़ते हैं इन सब चीज़ों को, अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं अपने जो हमारा मैंने बताया था हमारा फास्ट है, तो बस मैं दिया जलाने जा रही थी, जिसकी वजह से अपना हाथ वगैरह मैं धोने जा रही थी, कि इसके बाद हमें और चीज़ें भी करनी है, हमारे शाम के खाने की तैयारी करनी है। और अभी तक ये सब बातें नहीं हुई थी, इसलिए मुझे इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था। और फाइनली अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि अब हमारा काफ़ी टाइम हो गया है, और ये फास्ट है तो थोड़ा सा जल्दी ही बना लेते हैं। और दिया जलाने के बाद ही मैं जाऊँगी, दिया जलाते हुए सीधे जाऊँगी किचन में, और मैं अपना फ़ोन अभी चार्जिंग पे लगा जाऊँगी, क्योंकि फ़ोन भी मेरा डिस्चार्ज है। तो चलिए फिर हम सीधे जा रहे हैं किचन में, और आपसे फिर बात करेंगे। ये रायता हो गया, अरे ये तो दाल रखी है। रोटी गाय की देने नहीं जाएंगे, आलू ऐसे लग रहे जैसे उसमें नहीं हो जाते हैं क्या नाम है जब पापड़ बनते हैं वैसे डिस्प्लेस से, तो आटा लगा के बनाना होता है। कितनी देर बनाए हैं? कितनी देर? और मम्मी से मैंने कहा था सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मम्मी मैंने सोचा था इसको नॉर्मल वॉइस में डालूंगी, लेकिन मम्मी बार बार मुझसे पूछ रही थी कितनी देर की और रिकॉर्डिंग बनानी है, कितनी देर की बनाया। तो बस मैं वही मम्मी को देख के हंस रही थी, मैंने कहा आपसे मैंने कहा था लाइव मैं नॉर्मल बनाऊंगी, नॉर्मल वॉइस में रखूंगी। और यहाँ पर फाइनली आ गया हमारा खाना, हमारा रायता कचौड़ी, ये पत्तू की कचौड़ी क्योंकि मैंने बताया था बनता है हमारे यहाँ, और ये चटनी है, और ये हमारा तिलकुटा बोलते हैं जिससे पूजा होती है। मम्मी भी खाना खा रही हैं और हमारे यहाँ चल रही है यहाँ रामायण। अब हमारा हो जाएगा खाना,
और उसके बाद देखते हैं और बाकी चीजें तो मैं दिखा चुकी हूँ और आज फास्ट था तो अब हम बस इसी से खोलेंगे। मम्मी कैसा बना खाना? नमक वगैरह सही है? मोयन सही है? फाइनली हमारा खाना वगैरह सब चीजें हो गई हैं और अब मैं मम्मी के साथ लेटी हुई हूँ। लेटी क्या हूँ, मैंने बैठी हुई हूँ और दवा वगैरह मैं डाल चुकी हूँ और खाना वगैरह सब हो चुका है, लेकिन हमने अभी दही बड़े नहीं खाए हैं क्योंकि क्या नाम है, बहुत ठंडे थे और चटनी वगैरह भी हम लोग उठा के वैसे ही रखते हैं। चोट जैसी चोट जैसी से क्या मतलब है? गाड़ी के वो चम्मच उठा के खा जा ऐसी मतलब वही नहीं है चोट जैसी और क्या? हे प्रभु, हे मतलब मैं चंचा से उदाहरण देती और कितना बताए कड़ी जैसी। एक्चुअली मैंने चटनी बनाई थी आज खटाई की, फर्स्ट टाइम बनाई थी तो मुझे काफी पतली लग रही थी तो मैंने उसमें डाल दिया 1 चम्मच अरारोट और वो ज्यादा गाढ़ी हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने वैसे ही छोड़ दी है। तो मम्मी को वही दिखाई थी, तब से मुझे चिल्ला रही है कि तुमने बिल्कुल चटनी बेकार बनाई है। अभी फिलहाल खाई किसी ने नहीं है, हो सकता स्वाद में अच्छी होगी, नहीं होगी तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल फेंकी क्यों जाएगी? कभी फेंका गया इसे? नहीं तो दही बड़े के साथ खत्म करेंगे वरना देखेंगे उसमें और कुछ डालना होगा। तो फिलहाल मेरी आज मतलब पूरी नाइट मुझे तो फिलहाल डांट पड़नी ही पड़नी है, तो बेकार होगी। बेकार नहीं होगी, कल देखते हैं। तो बस अपने वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स बाय बाय।